हमारे धर्म ग्रंथों का एक मूल मंत्र है, जो विनम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। विनम्रता न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है, बल्कि कई बार सफलता का कारण भी बनती है, और इसी के कारण हमें सम्मान भी मिलता है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए विनम्र होना अति आवश्यक है। आओ इस गुण का महत्व एक कहानी से समझते हैं। राम एक कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। वह काफी मेहनती था और मन लगाकर काम करता था। सभी मजदूर उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सभी से काफी अच्छे से और इज्जत से पेश आता था। उसी फैक्ट्री में मोहन एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, और सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वह अपनी ड्यूटी पर रहता था। रोज सुबह शाम जब भी राम गेट से गुजरता था, तो वो मोहन को रुककर नमस्ते जरूर करता था। कई बार राम कुछ समय निकालकर मोहन से बातचीत कर उसका और उसके परिवार का हालचाल भी पूछ लेता था। यहाँ तक कि उसे उसके बच्चों के नाम तक भी पता थे। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब राम मोहन के सामने मुस्कुराया ना हो या उसका हालचाल ना पूछा हो। हर सुबह और शाम को सिक्योरिटी गार्ड राम के आने पर पल भर के लिए खुश हो जाता था। एक शाम मोहन ने गेट पर देखा कि 6 बज गए और लगभग सारा स्टाफ बाहर आ गया था, मगर राम कोल्ड स्टोरेज से बाहर नहीं आया था। उसने जल्दी अपने साथियों को बताया और फैक्ट्री के अंदर जाकर राम को ढूंढने लगा, लेकिन उसे राम कहीं नहीं दिखा। तो उसने फैक्ट्री का कोना कोना देख लिया। उसने सोचा, मैं एक बार इन रेफ्रिजरेटर रूम्स में देखता हूँ। तभी उसने कर्मचारी की मदद से हर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलना शुरू किया और राम को ढूंढने लगा। तभी एक रेफ्रिजरेटर में राम बेहोश पड़ा मिला। सब कर्मचारी बहुत घबरा गए। मोहन उसे जल्दी से पास के अस्पताल में ले गया और उसकी जान बचा ली। जैसे ही राम को होश आया, मोहन ने कहा, साहब आपने तो हमें डरा ही दिया था, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आप रेफ्रिजरेटर में कैसे बंद हो गए? राम ने कहा, वो रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर रहा था, तो मैं यही देखने अंदर गया और गलती से दरवाजा बंद हो गया, और उसे अंदर से खोलने का कोई रास्ता नहीं था। राम ने मोहन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड को रोज नमस्ते करने और उसकी सराहना करने की एक साधारण आदत ने राम की जान बचा ली। रिश्ते हमारी सफलता और खुशी की नींव हैं। हर इंसान को महत्व दें, बिना उसकी औकात या अपना फायदे पर ध्यान देते हुए। इस दुनिया में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। ये छोटी छोटी बातें आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। लोगों को महत्व देना और उनकी सराहना करना न केवल उन्हें खुश करता है, बल्कि उनके द्वारा किए जा रहे कामों में उन्हें बेहतर और जिम्मेदार बनाता है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह की नई कहानियाँ आपको मिलती रहें।